मैं थोड़ा जोश भर देता हूँ आप सब में, इतनी मेहनत की, मेरे को ज्यादा पता नहीं था, आज मैंने सुना तो मेरी आंखें खुल गई। बहनों को कितनी तकलीफ होती है, तो कई बार हम बड़ा इजी सा रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अपना हक तो हमें लेना पड़ेगा ना, कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। जोरदार तालियां बजाओ खुद के लिए, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं, थोड़ी सी मेहनत कराएंगी तो मेडल तुम ही लाओगी बेटे। चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और जब हमारी बच्चियां मजबूत हो जाएंगी, तो जब एकदम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगी, तो दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू, अपनी शक्ति को पहचानो एक बार। और शानदार सब लोग, मंच हमारे साथ है, विधि के लोग हैं, सर लोग हैं, कितना अच्छा वकील साहब ने बताया सर आपने, और ये कई चीजें हमें पता नहीं थी, और धीरे धीरे पता चलती है, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे। और वाकई बेटियां, मैं कविताएं करता हूँ इसलिए अवेयरनेस करता हूँ, रोड पे सड़क पे कोई डेथ ना हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि कोई तो घुट घुट के ही मर रहा है, इनके लिए भी तो बोले, क्योंकि जब मैं कविताएं करता था तो मैंने बच्चियों के लिए एक लिखी थी कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रूप से, और जल रही हैं बेटियां दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और पिट रही हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बटाएगा घर में बैठे नाग से, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, और वृद्ध माँ कोने में दुनिया मत सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, और ठग रहे हैं महात्मा बेच कर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, अरे लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा बाबा का चमन प्राप्त जरूर खाएंगे। वो अपना ऐड करना नहीं भूलता लास्ट में, है ना, वो कुछ ना कुछ बोल जाएगा, अरे कुछ महिलाओं के लिए भी बोलो, क्योंकि क्योंकि बेटियों को सक्षम बनाएंगे तो तभी तो ये मेडल लाएंगे ना, कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाता है ना थोक में। तो आप घबराओ मत, आपके साथ हम सब हैं, और हमें पता नहीं था कई चीजों का, हम और ज्यादा पढ़ेंगे, सर ने बताया जैसे कानून के बारे में, वो चीजें मुस्लिम समुदाय से जो बच्चियां आई हैं, बहनें आई हैं, इनकी तो काफी बड़ी व्यवधा है, और फाइनेंस और पैसा एक बड़ी समस्या है हर घर में, लेकिन बहुत बड़े बड़े घरों में मैं देखता हूँ कई महिलाएं बिचारी अपने अरमानों को चुपचाप करके बोलती नहीं, बाहर आती हैं तो मेकअप में पता नहीं चलता, लेकिन अंदर वो रोती रहती हैं, लेकिन उन बेटियों को रोना नहीं है, उनको अपने मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद जब पैरों पे खड़े हो जाओगे, मेहनत के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं, हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना, आप सबके हाथ साथ होने चाहिए, और जब कानून साथ होगा, लोग साथ होंगे, और सलाहें साथ होंगी, तो ये बहुत मुहिम आगे तक जाने वाली है, बहुत शानदार आज इकट्ठे हुए, तो कोई आज बड़ी बात होने वाली है। इंदिरा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, ये हमारी महिला अफसर हैं जिन्होंने पूरी रोड सेफ्टी, जो सड़क पे दुर्घटनाएं होती है उनके लिए 20-22 साल से ज्यादा समय तक काम किया है, जोरदार तालियां इस बेटी के लिए भी होने चाहिए, और आप सब के लिए तो है, जोरदार तालियां से स्वागत करिए, थैंक यू। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो मैं अजमेरी गेट में बैठता हूँ, रूम नंबर 1 में, जो ट्रैफिक देखते हैं हम, तो आप हमें बोल सकते हैं, और घबराना नहीं है, ठीक है, थैंक यू।